क्या आप भी आईलाइनर लगाते हुए आपके हाथ कांपते हैं और डर लगता है आईलाइनर कहीं इधर उधर ना फैल जाए, तो आपको क्या करना है, डॉट डॉट करके कुछ इस तरह से कर लेना है और उसी डॉट के ऊपर आपको आईलाइनर ऐसे ड्रॉ कर देना है। चाहे आपको पतला चाहिए या मोटा चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपका परफेक्ट आईलाइनर लगकर रेडी है। क्या आप भी अपने रूम को सजाने के लिए कुछ इस तरह से क्रिएटिव चीज बनाना चाहते हैं अपने रूम को अच्छा दिखाने के लिए, तो आपको क्या एक कार्डबोर्ड टाइप का इस तरह लेना है और उसको पेंट कर देना है और बहुत सारी माचिस की तीलियां लेनी है और एक कागज के ऊपर गम लगा लगा कर कुछ इस तरह से आपको पेस्ट करते चले जाना है। फिर इस तरह हो जाए थोड़ा सा तो फिर आपको कट कर लेना है साइड साइड से। फिर एक जो आपका ब्लैक हिस्सा है उसको आप कलर करते चले जाना है, कोई कलर से आपको इस तरह से सारे तैयार करना है। फिर पीछे के हिस्से में आपको सारे को इस तरह से आपको पेस्ट करते जाना है। फिर आपको क्या करना है, क्राफ्ट पेपर लेना है और फिर उसको कैची की हेल्प से कुछ गोल गोल में आपको राउंड शेप में आपको काट देना है। फिर गम लगा कर कुछ इस तरह से फ्लावर तैयार कर लेना है। फिर सारे को इस तरह से आपको पेस्ट करते चले जाना है। फिर और सारे माचिस की तीलियां लेना, फिर एक कागज के ऊपर आपको इसी तरह कट कर लेना है और चिपका देना, फिर कलर कर देना बीच बीच में। फिर इस तरह से आपको पेस्ट करके आपको एक धागे में लटका देना। फिर देखिए बनकर रेडी हो गया। आप अपने रूम में सजा भी सकते हैं इस तरह से। घर में जेल आईलाइनर बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रेयॉन लेना है, उसको क्रश कर लेना है, फिर उसमें कोकोनट ऑयल डालना है और अच्छे से मिला लेना है। फिर एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में आपको डाल देना है। फिर आपको आईलाइनर ब्रश लेना है और उससे अपने आईलाइनर को अपने आंखों पे ऐसे लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका जेल आईलाइनर बनकर रेडी है। अगर आपके फेस पे एक्ने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको घबराना नहीं, आपको लेना एलोवेरा लीव्स लेना है और बीच में से ऐसे पील ऑफ करना है और उसके जेल को कुछ इस तरह निकालने के बाद आपको आइस ट्रे में रखना है और उसमें टी ट्री ऑयल मिला मिक्स कर देना और सभी को इसी तरह रख देना है और कुछ घंटे के लिए फ्रिज में आपको इसको रख देना है। फिर निकालने बाद में फेस को इस तरह रगड़ें और आपका कुछ हद तक कम हो जाए। फिर फाउंडेशन लगा के इसको अच्छे से हाइड भी कर सकते हैं। पुराने कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को फेंकने से मजेदार चीज बना सकते हैं। आपको क्या करना है, क्रियॉन लेना, उसको पिघला लेना है अच्छे से और पिघलाने के बाद कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन में डालकर एक बत्ती लगा देना है और इस तरह से जलाकर आप कैंडल लाइट डिनर भी इससे कर सकते हैं।